Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 6 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर एक स्टेट के बारे में हम डेली कवर करते हैं। और आज जो हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक और ब्यूटीफुल स्टेट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और वो सारी बातें जानने वाले हैं जो कि आपको पता नहीं है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पूछी जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और त्रिपुरा के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप BHUNESH भुवनेश 10 रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। आपको दोस्तों किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन में यूज़ करने के बाद सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेज हैं, मैथ, रीजनिंग, GK, GS सब आपको मिल जाएगी। रेलवे में अभी मेरी 40 स्टैटिक GK की क्लासेज चल रही है, 111 टेस्ट आपको NTPC के मिल जाएंगे, जिसमें अंदर 30 टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे। साथ में बैंक की क्लास चल रही है, IBPS PO मेंस की, ज्वाइन नहीं करी है तो कर लेना। और CGL की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री स्टार्ट करिए पढ़ाना, आपके देश के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लेना, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। भुवनेश 10 रेफरल कोड आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आज हम जो बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों एक छोटा सा राज्य यहाँ पे जो कि है त्रिपुरा, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। अभी तक ये सारे स्टेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सारे स्टेट के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, त्रिपुरा तक पहुंच चुके हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यूनियन टेरिटरी बना 1956 के अंदर, स्टेट बना 72 के अंदर, कैपिटल अगरतला, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 8, रमेश जी हैं जो कि अभी गवर्नर है और बिप्लव कुमार जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। हाईकोर्ट की बात करें तो त्रिपुरा के अंदर हाईकोर्ट है, चीफ जस्टिस यहाँ पे अभी कौन है, ठीक है, अखिल जी है जो कि अभी है और अभी 2 दिन पहले उन्होंने ओथ ली है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 60 है यहाँ पे सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा के अंदर आपको 1 सीट है जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है। बाउंड्रीज की बात करें तो बांग्लादेश बॉर्डर है दोस्तों, नॉर्थ साइड के ऊपर, साउथ साइड के ऊपर और वेस्ट साइड के ऊपर, साथ में आसाम और मिजोरम, ये 2 राज्य हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह है बांग्लादेश, ठीक है, ओके, और ये त्रिपुरा है पूरा, और ये आसाम की बॉर्डर है और साथ में ये मिजोरम की बॉर्डर है इस तरीके से, ओके। और कैपिटल की बात करें तो आपको कैपिटल भी देख सकते हो, और एक ही रोड है जहाँ से पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट होता है, जिसको NH 44 कहते हैं। NH 44 से जो है ये कनेक्टेड होता है वैसे, है ना, बाकी सब एरिया के। ये देख सकते हो ये है यहाँ पे अगरतला, इसकी कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट के सिंबल्स, और लीफ मंकी है दोस्तों, ये यहाँ का स्टेट एनिमल है, देख सकते हो काफ़ी लंबी इसकी पूंछ देखने को मिलती है। इंपीरियल पिजन है जो कि स्टेट का बर्ड है। फ्लावर यहाँ पे इंडियन रोज है, ठीक है, चेस्टनट, और अगरवुड जो है यहाँ का स्टेट का ट्री है। हिस्ट्री की बात करें त्रिपुरा की तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस टाइम पे दीवानी राइट्स जो है उन्होंने ले लिया था, ओके, उस टाइम पे बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में था ना, 1765 के टाइम पे, और उसके बाद में अलग हुआ, मुगल के अंडर में आया, फिर बाद में ब्रिटिश कंट्रोल में आया। 1905 के अंदर त्रिपुरा दोस्तों नया प्रोविंस बना था ईस्टर्न बंगाल का, ओके, और आसाम का, उसका पार्ट बन गया था, जिसको हिल तिपारा नाम से जाना जाता था, हिल तिपेरा नाम से जाना जाता था। लास्ट रूलिंग जो महाराज थे त्रिपुरा के, उनका नाम था वीर विक्रम, ओके, वो 1923 के अंदर जो है थ्रोन पे बैठे थे और उनकी डेथ हुई थी 1947 के अंदर। उसके बाद में इंडिपेंडेंट हो गया और भारत में भारत से ये जुड़ गया। आपने सुना होगा ना RD बर्मन का नाम सुना होगा आपने, RD बर्मन जो है बहुत ही जबरदस्त म्यूजिशियन रहे हैं, उनके भाई थे SD बर्मन, तो ये रॉयल फैमिली जो थी ना त्रिपुरा की, उनसे ही बिलोंग किया करते थे, RD बर्मन, SD बर्मन, ओके। साथ में आपने पहले के टाइम पे सुना होगा कि हमारे देश के सबसे गरीब जो CM थे, सबसे पुअरेस्ट CM वो कौन थे, पहले यहाँ पे थे मणिक शंकर करके थे,
मणिक शंकर, जो कि उनके अकाउंट में कोई 5 या 10 हज़ार रुपए कुछ ऐसा जो है बताया गया था जब उनके बारे में बताया था, और बहुत ही साइकिल से नॉर्मल जीवन जो है जिया करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। त्रिपुरा दोस्तों थर्ड स्मॉलेस्ट है गोवा और सिक्किम के बाद में। सेंट्रल नॉर्दर्न त्रिपुरा जो है वो हिली एरिया है, जहाँ पे 4 मेजर वैलीज आपको देखने को मिलती है। धर्मनगर है, कैला नगर है, कमालपुर है, खोबाई है, ओके। इसके अलावा कई सारी नदियां हैं जो कि यहाँ से बहती है, जैसे कि गोमती नदी है जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है, ठीक है, जो कि राधा किशोरपुर के पास पूर्वी पहाड़ियों से निकलती है। 939 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे जम्बुई रेंज है दोस्तों। बैटिंग शिप राज्य का ये सर्वोच्च जो है यहाँ का बिंदु है, ठीक है। बैटलिंग शिप इसको कहते हैं, बैटलिंग शिप, ये यहाँ का जम्बुई रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो 2018 में हुए और 60 में से 59 सीटों के ऊपर हुए, जहाँ पे बीजेपी ने यहाँ पे जीता इलेक्शन और सरकार बनाई है। बीजेपी के लीडर बिप्लव कुमार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने त्रिपुरा के, ओके, और एनडीए के बैनर के अंदर ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर डैम को लेकर। मेजर डैम की बात करते हैं, यहाँ पे गोमती डैम, जैसे कि मैंने आपको बताया रिवर भी है, ओके, वो यहाँ पर है। साथ में यहाँ पे जनरल फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ओल्डेस्ट नोन जो नेम था वो कीरत देश के नाम से जाना जाता था। पहले यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन 2012 के बाद में 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बना दिए गए, और यहाँ पे धलाई नाम का डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है एरिया के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट त्रिपुरा जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहाँ पे, और यहाँ पे पहले तो NH44 हुआ करता था, लेकिन अभी आपको मालूम है नाम सबके चेंज कर दिए गए, तो ओनली 1 मेजर रोड अभी NH8 है जो कि त्रिपुरा को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। पहले NH44 हुआ करता था। आसाम रोड जो है इसको NH8 को जो है ऑफन क्या बोलते हैं, लाइफलाइन ऑफ त्रिपुरा भी कहते हैं। ONGC का त्रिपुरा पावर कंपनी है, ओके, उसको यहाँ पे पालाटना पावर प्लांट भी कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट है जो कि यहाँ पे देता है, ओके, ठीक है। इसके अलावा ONGC फर्स्ट पावर प्लांट है जो कि यहाँ पे आया था, बिगेस्ट पावर प्लांट भी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। नेक्स्ट बात करें जनरल फैक्ट्स के बारे में, त्रिपुरी जो यहाँ पे दोस्तों हाफ ट्राइबल कम्युनिटी जो है यहाँ पर है। अदर प्रोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चकमा ट्राइब है ना, हलम है, रियांग नाम का है, कुकी, गारो, लुसाई है ना, ये सब ट्राइब देखने को मिलती है। साथ में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो इंडिया का है वहाँ पे नेशनल रेलवे नेटवर्क जो है कई सारे सिटीज है त्रिपुरा के, वहाँ पे ट्रेन जो है लेके जाता है। होम ऑफ बैम्बू, बैम्बू के काफ़ी सारे यहाँ पे आपको बैम्बू देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे क्राफ्ट के अंदर, काफ़ी जगह पे डे टू डे लाइफ में बैम्बू को बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है अगरतला का। 2011 के सेंसस के हिसाब से 87% यहाँ की लिटरेसी रेट थी, जो कि देश में 4th नंबर पर सबसे ज़्यादा है। फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे कहर्ची पूजा होती है, ठीक है, 14 भगवान की पूजा मानी जाती है। इसके अलावा घारिया नाम से होती है सेलिब्रेशन यहाँ पे, जो कि लोकल लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, त्रिपुरी ड्रेस पहन के पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एक गंगा पूजा होती है, ट्राइबल त्रिपुरी जो लोग हैं वो इसको वहाँ पे रिवर को पूजते हैं। डांसेस की बात करें तो मैंने आपको बताया गौरिया हो गया, झूम डांस हो गया, मामिता हो गया है ना, तो ये सारे डांस है जो कि नॉर्मली वहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, राजबरी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, साथ में रोवा इंपॉर्टेंट है, त्रिशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। GI टैग की बात करें तो त्रिपुरा का जो क्वीन पेनापल है ये यहाँ का GI टैग है जो कि इसको मिला हुआ है। फेमस प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उजयंता पैलेस है, ओके, जो कि यहाँ का रॉयल पैलेस हुआ करता था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ की, ओके, और अभी तो प्रेजेंटली है म्यूजियम के तौर पे वहाँ पे इसको काम कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे ऊनाकोटी रॉक एनग्रेव्ड इमेजेस है शिवा की, जो कि बहुत फेमस है, काफ़ी बड़ी बड़ी जो है पहाड़ों पर से काटी हुई इमेजेस है लॉर्ड शिवा की। नीर महल है, वाटर के अंदर है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एकमात्र पानी के अंदर कोई पैलेस बना हुआ है वो नीर महल ही है, रॉयल पैलेस हुआ करता था, और रुद्रसागर लेक है उसके अंदर इसको बना रखा है, किंग जो है बीर बिक्रम उनके द्वारा इसको 1338 के टाइम पे बनाया गया था, ओके। 2 लेक पैलेस है हमारे यहाँ पे, और दूसरा जो है वो जलमहल है जयपुर के अंदर, और वैसे एक नीर महल है जो कि त्रिपुरा में है। बिजॉय सागर लेक है उदयपुर के अंदर दोस्तों, यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया के अंदर, साथ में इसको महादेव दिघी भी कहते हैं, लार्जेस्ट लेक है जो कि यहाँ पे त्रिपुरा का जो उदयपुर एरिया है वहाँ पे माना जाता है, उदयपुर राजस्थान में नहीं, यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया है।
ठीक है। तो ये था कि दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि त्रिपुरा के बारे में थी, साथ में मैंने आपको बताया अनअकैडमी पे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए BHUNESH बुनेस्टन ले सकते हैं। बैंकिंग रेलवे एसएससी में अभी मेरी रेगुलर क्लास चल रही है, साथ में दोस्तों रात को 11 बजे और रात को 12 बजे, 11 बजे रात को जो है डेली आपको क्लासेस मिलेगी जो कि आपको अंकित सर, प्रवीण सर और अरविंद सर की क्लासेस हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपके संपूर्ण जीके के लिए स्टार्ट करी जा रही है और ये यूट्यूब के ऊपर है क्लासेस, है ना, यूट्यूब के ऊपर रात को आपको क्लास मिल जाएगी मेन चैनल के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कैसे आपको लेना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपको डाउनलोड करनी है, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका गोल है यहाँ पे, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल रेलवे आपका गोल है तो रेलवे सेलेक्ट कर लो, बैंक है तो बैंक कर लो, एसएससी है तो एसएससी सेलेक्ट कर लो, उसके बाद में यहाँ पे प्लस में जाओ, फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाओ, फिर 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो ताकि आपकी एक अच्छी लॉन्ग टाइम तक प्रिपरेशन हो सके। NTPC 1 हो गया, 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया, सारे एग्जाम हमको देने हैं, क्रैक करने, इसलिए रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। CGL, CHSL, MTS, GD सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेगी, कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज साथ में। रेफरल कोड की बात करें तो BHUNESH BHUNESH10 आप यूज करके अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू, गुड बाय, वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे वाले क्लास में, लाइव जरूर आना, आइएगा और भूलिएगा मत, ठीक है, थैंक यू।